अब ऐसे देख रहे जैसे कभी नाम ही ना सुनाओ. कंजंक्शंस बेसिकली आर दी वर्ड्स व्हिच आई यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस. ठीक है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स, दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं. कंजंक्शंस को हम इन शॉर्ट कनेक्टर्स भी कहते हैं. कनेक्टर्स भी कहते हैं. दे आर व्हाट? हम इनको, दे आर बेसिकली कनेक्टिंग वर्ड्स. ठीक है, अब कंजंक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं. ठीक है, तो मैं एकदम शॉर्ट में सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो, कंजंक्शंस जो होता है वो ब्रॉडली फोर टाइप्स में डिवाइडेड है. ठीक है, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स. पहला है कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग, तीसरा है कोरिलेटिव और चौथा है कंपाउंड कंजंक्शन. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्या नाम से ही समझ में नहीं आता कि कुछ कोऑर्डिनेट करने के लिए आ रहा होता है. तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ना बच्चे, हम इसको फर्दर इसके सब डिविजन्स करते हैं. तो जो सबसे पहला होता है दैट इज क्यूम्युलेटिव, दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव, तीसरा होता है एडवर्सेटिव और चौथा होता है इलेटिव. चौथा होता है इलेटिव. क्यूमुलेटिंग कंजंक्शन, नाम ही ये डिफाइन कर रहा है कि दे आर यूज्ड टू क्यूमुलेट समथिंग. ठीक है, तो इनके क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट करते हैं. अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस आएंगे या नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे, ये एक जैसे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं. ठीक है, तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कैन बी एंड, कैन बी एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब क्यूमुलेटिव होता है. ठीक, अब उसके बाद ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन की बात करो. तो ऑल्टरनेटिव नाम से ही डिफाइन कर रहा है ना कि ऑल्टरनेट दे रहा है, वो ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे तुम्हारा जो आ जाता है वो होता है इधर और, यहाँ पर तुम्हारा आता है नीदर नॉर, और जो ऑप्शंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्स इफेक्ट. ठीक है, आपने कुछ किया लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ. ठीक है, तो बेसिकली एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव या फिर कह सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है. ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड. ठीक है, अगर मान लो कि आपने ऐसा कहा कि कुछ बताओ, दे लॉस द मैच, ये तो दो ही हो गया ना, बट से बनाते हैं कुछ. आई हैव वर्कड वेरी हार्ड बट इट डज नॉट वर्क इन द, बट इट डिडंट वर्क इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये बट क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस को ज्वाइन किया. तो जो एडवर्स इफेक्ट डिफाइन करता है ना उसको हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलते हैं. यहाँ पे बट आ सकता है, येट आ सकता है, दो आ सकता है, ऑल्दो आ सकता है, अदरवाइज आ सकता है, एल्स आ सकता है, दुनिया के कंजंक्शंस हैं यहाँ पे. इलेटिव कंजंक्शंस क्या होता है? इलेटिव कंजंक्शंस को हम हिंदी में बोलते हैं परिणाम सूचक. नाम ही क्या डिफाइन कर रहा है, परिणाम. परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट.
ठीक है, तो इलेटिव कंजंक्शंस आर द कंजंक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू डिफाइन द रिजल्ट ऑफ एनीथिंग. ठीक है, तो यहां पर जो आपके कंजंक्शन आते हैं दैट इज एज, सो, बिकॉज, देयरफॉर. अगर आपने कहा कि आई कुड नॉट कम टू द क्लास एज आई वॉज इल, तो यहां पर क्या है कि तुम क्यों नहीं आ पाए, रीजन डिफाइन हो रहा है ना, रिजल्टेंट डिफाइन हो रहा है ना, तो उसके लिए हम हमेशा इलेटिव कंजंक्शंस यूज करते हैं. ठीक, अब उसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं. क्लॉजेस क्या होता है तुम्हें पता है? कंडीशनल से याद है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, मैंने ऐसे बहुत सारे पढ़ाए हैं कंडीशनल्स में. ठीक है, वो कंडीशनल्स जितने भी है ना वो सब सबऑर्डिनेटिंग के सब टाइप्स हैं. ठीक है, तो इफ, अनलेस, अनटिल, सपोज, प्रोवाइडेड, ऑल दीज बिहेव्स एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें अलग से एड हो जाता है. कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर द कंजंक्शंस व्हिच ऑलवेज कम्स इन पेयर. ऐसे कंजंक्शन जो हमेशा पेयर में आते हैं ना उनको हम डिफाइन करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन से. पेयर में आते हैं, हाँ नहीं, हाँ जोड़ा. अरे तो पेयर ऑफ शूज, चुप हो जा यहाँ पे. अरे वो भी जोड़, मेरी बात सुनो राहुल, क्या होता है मैं तुम्हें समझाती हूँ. कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे, जैसे कि तुम्हें पता है ना कि हम कभी भी किसी सेंटेंस में इधर लगा रहे हैं तो इधर के साथ हमेशा नो और आता है ना. कभी हम नीदर लगा रहे हैं तो नीदर के साथ हमेशा नो और आता है. अगर कभी हमने नॉट ओनली यूज किया तो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है. कभी नन यूज किया तो नन के साथ हमेशा बट आता है ना. तो ये जो दो वर्ड है ये हमेशा एक साथ आते हैं ना एक सेंटेंस में, पेयर बनाते हैं ना ये एक दूसरे के साथ. तो ये जो पेयर वाले वर्ड्स होते हैं ना वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं. ठीक है, एंड एट द एंड कंपाउंड कंजंक्शंस. कंपाउंड कंजंक्शंस आदि कंजंक्शंस जिसमें एक से ज्यादा वर्ड यूज हो रहे होते हैं. जैसे कि हमने कहा एज वेल एज, तीन वर्ड आया ना, हमने कहा प्रोवाइडेड दैट, हमने कहा इन अकॉर्डेंस विद, या फिर हमने कहा इवन इफ, इवन दो, एज इफ, एज दो. मतलब एक से ज्यादा वर्ड जब कंबाइनली एक फ्रेज की तरह, कंजंक्शन की तरह बिहेव करते हैं देन दे आर पार्ट ऑफ कंपाउंड कंजंक्शंस. कोई दिक्कत है? तुम्हें पक्का सब समझ में आ गया सारा कुछ? ट्राई करूं, पूछूं? ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या बताया था? ऑर्डिनेटिंग.
तुम्हें भी कहीं जाना है? ओके, सो अभी तुमने जो टाइज समझा उसी को फर्दर डिफाइन करते हैं, ठीक है? ये तो हमने पढ़ लिया, ये हमें समझ में आ गया है ना, ये मैंने बता दिया ना कि जॉइन करते हैं दो सेंटेंसेस को, नाउन को, एडजेक्टिव्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, ठीक है? यहाँ पर एग्जांपल दे दिया कि राम एंड सीता आर गोइंग, तो राम क्या कर रहा है, एंड क्या कर रहा है, राम और रीता को कंजॉइन कर रहा है। वहां पर डैड क्या कर रहा है, दे सेड को दे वुड स्टडी से ज्वाइन कर रहा है ना, तो दीज आर कनेक्टिंग वर्ड्स। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन लिखा हुआ है जिसमें कि तुम्हारा कंपाउंड कंजंक्शंस मिसिंग है, ठीक है? एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के सब टाइप्स वगैरह सब क्लियर है ना, वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसे मैंने बताया कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस मैंने बताया जो हमेशा पेयर में आते हैं, तो यहाँ पे इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नीदर नॉट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ना एक चीज समझना कि जब कभी भी ये पेयर वाले वर्ड्स जो है ना, जो पेयर वाले कंजंक्शंस हैं, कि अगर यहाँ पर इधर के बाद, ठीक है, अगर यहाँ पर इधर के बाद सब्जेक्ट आया हुआ है तो फर्दर और के बाद भी सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है? अगर इधर के बाद सब्जेक्ट आया हुआ है तो, और इधर का पेयर और के साथ बनता है तो और के बाद भी सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक? अगर मान लो कि इधर के बाद सब्जेक्ट की जगह पे आ गया वर्ब, ठीक है, हमने यहाँ पे वर्ब मेंशन कर दिया, तो और के बाद भी वर्ब ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। अगर यहां पर वर्ब के जगह पे एडजेक्टिव है तो यहाँ पर और के साथ भी एडजेक्टिव ही होगा, अगर यहाँ पर एडवर्ब है तो यहाँ भी एडवर्ब ही होगा। कहने का मतलब यह है कि जो पेयर वाले वर्ड्स हैं ये हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं, ठीक है? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले वाले वर्ड के साथ आता है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच दूसरे वाले वर्ड्स के साथ भी आता है, ठीक? अब इससे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा ये दोनों को सॉल्व करना। बोलो, रूल पता है, सेंटेंस सामने है, रूल उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, लगाओ कुछ तो दिमाग लगाओ। क्या है, पढ़ने की क्या जरूरत है, सब करेक्ट ही है। वो सोच रहा है अभी तक, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। नहीं,
कैन चिंतन कर रहा है, क्या हो गया बता दो, दो ही तो सेंटेंस है, इतना टाइम कौन लगाता है, नहीं बता दो। मैंने क्या बोला था कि अगर नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट है, ये दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए था, बट यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना, मतलब गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस नॉट ओनली को यहां से हटा देंगे, ठीक। बट ऑल्सो कहाँ आया हुआ है, हिज के पहले, नॉट ओनली भी कहाँ आएगा, हिज के पहले। तो आंसर होगा दे इनवाइटेड नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज, या एग्जैक्टली ही शी इज, नीदर यहां से हटा दो, शी इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, हम लोग बहुत गलत बोलते हैं, बट कनाडा में इतना गलत नहीं चलेगा, वहां तो सही बोलना पड़ेगा। क्या बेटा, थोड़ा सा फर्क है, जैसे कि जो हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं ना, उसमें हम थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर करते हैं, हम एंड शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह यूज करते हैं, जो हम नॉर्मल राइटिंग सेंस में यूज नहीं कर सकते, है ना, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज रेडी टू सॉल्व, रेडी टू गो। देखो यहाँ पे ना कुछ लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस है, जिसको ना मैंने क्या करा है कि पर्टिकुलराइज कर दिया है कि ये जो वर्ड्स है ये टाइम के साथ आते हैं, ये जो वर्ड्स है जो कंडीशन के साथ आते हैं, ये ना पीपीटी में डला हुआ है, एक बार बस वहां पे जाके गो थ्रू हो जाना, ठीक है। ये मैं अलग से कुछ बता नहीं रही क्योंकि इसमें और कुछ है, ठीक, यहाँ पे मैंने सिर्फ वो मेंशन किया हुआ है। यहां से हम शुरू करते हैं और वन बाय वन हम सारे रूल्स कवर कर लेंगे विथ दी क्वेश्चंस आल्सो, क्वेश्चन ओनली, तुम क्वेश्चन देखते जाओगे, मैं रूल बताती चली जाऊंगी, है ना। चलो शुरू करो, 1 2 3 व्हाट विल बी दी आंसर, आर सिब्लिंग्स, आर वर्क, अरे ओवर द असाइनमेंट भी ठीक है, असाइनमेंट के ऊपर काम कर, दैट इज ओके। क्या सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, द का फर्क है क्या, वो द का फर्क एक्चुअली में बड़ा डिफरेंस बना रहे है। देखो मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट देती हूँ, जो मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में दिया था कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होता है ना, तो जो हम वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे कि तुमने यहाँ पे कर दिया कि शिवम एंड शिवानी आर सब्जेक्ट, ठीक है। जब यही दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होकर सिंगुलर एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो जो वर्ब यूज होता है वो वर्ब सिंगुलर होता है,
ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर कंबाइनली सिंगुलर एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। अब यहीं पर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है और पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा है या फिर कोई एडजेक्टिव लगा है, ठीक है। तो हम जो वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है, और दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल या फिर एडजेक्टिव लगा है, दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल एंड एडजेक्टिव, तो उसके टाइम पे हम जो वर्ब यूज करते हैं दैट वर्ब इज क्यूड, ठीक है, इज हो जाएगा क्योंकि वहां पे हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे करने के पीछे कुछ वजह तो होगा। जब हम कह रहे हैं कि द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव, मतलब एक इंसान है, मतलब कि राहुल मैनेजर है और विशाल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, दो अलग अलग इंसान हो गए, हमने वर्ब प्लूरल कंसीडर किया। लेकिन जब हमने दो सिर्फ पहले के पहले आर्टिकल लगाए ना, मतलब एक ही इंसान है जो मैनेजर भी है और एग्जीक्यूटिव भी है, ठीक है, और वहां पर बात एक ही इंसान के बारे में होती है, इसीलिए हम वहां पर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। समझ में आया? नहीं समझ आया? आ गया ना? अब उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चंस देखना, बिल्कुल सिमिलर रूल पे बेस्ड है। हाँ? हाँ सही बोल रहे हो, ये सही है, अच्छा। मम्मी मतलब एक के पहले एडजेक्टिव लगा था तो तुमने हैस कर दिया, ठीक है। अब मदर मदर और फादर तो दो अलग अलग इंसान है, दो अलग अलग इंसान नहीं है, है ना, तो तुम क्या करोगे यहां पर एडजेक्टिव लगा दो। नहीं मैं ही हूं, मैं तुम्हारी टीचर भी हूं और तुम्हारी दोस्त भी हूं, ठीक है, लेकिन मम्मी और पापा तो अलग ही अलग होंगे ना, इसलिए समझे। मतलब कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसको हम एक इंसान नहीं बना सकते हैं तो हम दोनों के आगे एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा देंगे। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो डिफाइन कर रहा है कि एक ही इंसान दोनों एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है तो हम उसमें सिंगुलर लगा देंगे, ठीक है। यहीं पर एक क्वेश्चन था, मैं वो लिखती हूँ, बताना इसमें आंसर क्या होगा। Yeah, very good. Who is a doctor and singer? क्योंकि बात किसकी हो रही है, मम्मी की, जो एक इंसान है, एक ही इंसान है जो डॉक्टर भी है और सिंगर भी है, तो हम दोनों के आगे आर्टिकल नहीं लगा सकते। वेरी गुड। अब ये सेंटेंस देखो, बोथ
दोनों कपिल और सोहन। तो हैज कैसे हो सकता है? Both intelligent and laborious. Want to answer? मैं बताऊं? मैं बता दूं? देखो, both जो word है ना, both word always makes a pair with and. ठीक है? Both के साथ and के अलावा और कोई conjunction नहीं आता. तो हम यहाँ पर as well as नहीं लगा सकते. हम क्या बोलेंगे? Both Kapil and Sohan have visited. ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर यहां पर भी बोथ आया हुआ था, तो आप बोथ के साथ क्या यूज करोगे? एंड यूज करोगे, बिकॉज ऑलवेज बोथ ऑलवेज मेक्स अ पेयर विद एंड. इन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पे नथिंग आया हुआ है, बट आया हुआ है, माई बुक्स आया हुआ है. ठीक है, बट इज अ कंजंक्शन, नथिंग इज फर्स्ट सब्जेक्ट. ठीक है, एंड माई बुक्स इज वॉट? सेकेंड सब्जेक्ट. ऐसे इसको कंसिडर करके चलो. तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट, ठीक है, जब कभी भी दो सब्जेक्ट इन कंजंक्शन से, इन कंजंक्शन से मतलब कि एज वेल एज टुगेदर विथ अलोंग विथ In addition to, ठीक है, but besides, except, rather than, accompanied by, मैं etcetera लिख दे रही हूं. ठीक है, like, unlike, बहुत सारे हैं, no less than. अगर दो subject in conjunction से connected है, तो जो verb use होता है ना, that verb, wait हाँ, तो जो वर्ब यूज होता है ना, दैट वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. ठीक है, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर होगा, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल होगा. ठीक है, अब यहाँ पे नथिंग इज सिंगुलर, हम सब जानते हैं ना, कि विद इनडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब समवन, एनीवन, एवरीवन, या एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, या एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी. With indefinite pronoun, we always use what? Singular verb. उनके साथ हम हमेशा singular verb लगाते हैं. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? Singular verb लगाएंगे. Absolutely was लगाएंगे. ठीक? And similarly in the second sentence, यहाँ पर पहला क्या है? Subject I, है ना? Along with से connected है. Correct? दूसरा subject क्या है? Some of my friends. Verb किसके according आएगा? I के according. क्योंकि आई हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो हम आई के अकॉर्डिंग यहां पे लगाएंगे एम. ठीक है, यहां पे बिल्कुल जो भी हम वर्ब लगाते हैं हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं. इज दैट क्लियर?
है ना? क्या हो गया इतने ध्यान से, क्या देख रहे हो? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया राहुल? आया तो चल अब इन सेंटेंसेस को देखो। हाँ यहाँ पर आई के साथ क्या होगा? आम। ऐसा बोला ना तुमने, बहुत अच्छा आंसर किया। हाँ नहीं होगा, बिल्कुल सही है। मतलब तारीफ भी करो तो इंसान को अच्छा नहीं लगता, हद हो गई यार। ये वाला टू और थ्री तो अभी मैंने बताया था कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ पेयर बनाते हैं, तो इतना क्या सोच रहे हैं बताओ? हाँ क्यों क्यों तुम्हारे बोलने पे बैन लगाया किसी ने? मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा अभी ऊपर में मैंने क्या बताया कि जब दो सेंटेंसेस as well as along with together with etc के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर किससे कनेक्टेड है? नीदर नॉर के साथ, ठीक है? तो जब कभी भी दो सब्जेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन से कनेक्टेड हो, मतलब कि नीदर इधर नॉट ओनली बट ऑल्सो सॉरी नॉट ओनली नन, ठीक है? यहां पर एक सब्जेक्ट है और अगर उधर आपका नीदर आया हुआ है तो इधर आपका नॉर आ जाएगा, यहां पर इधर आया हुआ है तो और आ जाएगा, नॉट ओनली आया हुआ है तो बट ऑल्सो आ जाएगा और नन आया हुआ है तो बट आ जाएगा, ठीक? और यहां पे दूसरा सब्जेक्ट आएगा तभी तो पेयर बनेगा, तभी तो सेंटेंस ज्वाइन होंगे ना। तो इसके बाद जो वर्ब आता है ना वो सेकेंड सब्जेक्ट से अग्री करता है। ऊपर में फर्स्ट सब्जेक्ट से अग्री करता था, कोरिलेटिव कंजंक्शंस में सेकेंड सब्जेक्ट से अग्री करता है। वहां पे सेकेंड सब्जेक्ट आई था ना, तो इसीलिए आई के अकॉर्डिंग हमने आम लगाया, ठीक है? तुमने ही तो लगाया था। अच्छा तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कुछ नया बता दिया। नहीं नॉट ओनली लगेगा, तुम बता रहे हो। बेटा सुनो राहुल, एक बात समझो, तुम हमेशा नॉट ओनली बट ऑल्सो को इधर और क्यों कर देते हो? अगर वहां पर लिखा हुआ है कि आरपीएम नॉट ओनली आरपीएम विजिटेड लखनऊ बट ऑल्सो दिल्ली, इसका साफ साफ मतलब है कि पीएम ना ही सिर्फ लखनऊ घूमे वो दिल्ली भी गए थे, मतलब वो दो जगह घूमे हैं, लखनऊ भी और दिल्ली भी। अगर तुम बोलोगे ना कि आरपीएम विजिटेड इधर लखनऊ और दिल्ली, तो मतलब हो जाएगा कि लखनऊ और दिल्ली में से वो कोई एक जगह गए, लेकिन वो गए तो दोनों जगह है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखो ना सेंटेंस। RPM visited, जी नहीं, not only Lucknow but also Delhi। मैंने ये नहीं बताया क्या कि यहाँ पर अगर यहाँ but also के बाद जो होगा not only भी उसी के पहले आएगा, but also के बाद object है तो not only भी object के साथ ही आएगा, ठीक है? दूसरे सेंटेंस में क्या होगा?
टू के बाद आएगा इधर, तो क्या होगा, यू शुड कन्वे इट टू ईदर योर मदर और योर फादर. ठीक है, आए समझ में कुछ? अब करोगे गलती? ठीक है, इसको देखना एंड अंडरलाइन पार्ट्स हैव नो एरर, ये सोच के करना. But not either. But if you want, I can use or. अब ये सबसे बड़ी बात है कि आप नॉट इधर को नीदर नहीं बना सकते हो, बाकी तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि अंडरलाइन पार्ट में तो कोई गलती है ही नहीं. एंड क्यों लगाएंगे? हम बता रहे हैं कि जो उसका भाई है ना, वो ना ही इंटेलिजेंट है, ना ही लेबोरियस है, ना ही ऑनेस्ट है. तो एंड क्यों लगाओगे? नॉट ऑनेस्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बंद कर दे, ठंड लगे. आप अपने साइड का फैन ऑन कर लो इफ यू वांट. खत्म कर देते हैं. देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, नॉट ईदर लिखा हुआ है ना, नॉट ईदर का मतलब नीदर तो होता नहीं है, है ना. और ईदर जब भी आता है और के साथ पेयर बनाता है, तो ईदर और ही होगा, इसीलिए मैंने ईदर और कर दिया था. ठीक, आखिरी के दो सेंटेंस में सिंपल सी बात है कि अगर नीदर वर्ड आया हुआ है ना सेंटेंस में, तो आप नीदर वर्ड के साथ नॉर, नॉर एंड नॉर तीन बार तक यूज कर सकते हैं. ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर अगर इधर आया हुआ है ना सेंटेंस में, तो आप इधर के साथ और तीन बार तक यूज कर सकते हैं. तो यहां पे नॉर आया, यहां पर भी आपने नॉर कर दिया, यहां पर अगर और आया है तो यहां पर भी आप और कर दोगे. ठीक है, और ये आपका करेक्ट पेयर बन जाएगा. क्लियर? अब देखो, अच्छा ये वाला देख लो, ये बहुत आसान है. अगर तुमने मुझसे एडवर्ब पढ़ा है, तो ये सेंटेंस सॉल्व करने में आपको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आएगी. और अगर आपने एडवर्ब नहीं पढ़ा है, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा. चेक करते हैं.
तुम्हारे सेंटेंस का मतलब हुआ कि ना ही वो इंटेलिजेंट है ना ही वो हार्ड वर्किंग है। इस सेंटेंस का मतलब है कि ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज हार्ड वर्किंग, ठीक है, हालांकि वो इंटेलिजेंट है लेकिन हार्ड वर्किंग भी है। कुछ भी, अब मुझे ही बताना पड़ेगा, है ना? मैं बता दूं, देखो, ऑल्दो जो वर्ड होता है ना, ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो वर्ड ऑलवेज मेक्स अ पेयर विथ येट, ठीक है, ऑल्दो के साथ कभी भी बट नहीं आता, ऑल्दो के साथ हमेशा येट आता है। तो आप क्या बोलोगे कि ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट येट ही इज हार्ड वर्किंग, वो इंटेलिजेंट होने के बावजूद हार्ड वर्किंग है, ठीक। अब ये तो चलो ऑल्दो वाली बात हो गई, अब उसके बाद वाला जो सेंटेंसेस है, उसके बाद वाला जो सेंटेंसेस हैं, वो सेंटेंसेस तुम्हारा लॉ ऑफ इन्वर्जन डिफाइन करते हैं। लॉ ऑफ इन्वर्जन को हम इन्वर्जन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ इन्वर्जन को हम इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि वर्ड आया हुआ है जैसे कि हार्डली, ठीक, अगर मान लो वर्ड आया हुआ है जैसे कि स्कार्सली, ठीक, अगर मान लो वर्ड आया हुआ है जैसे कि नो सूनर, तो ये हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, ये जो तीनों वर्ड्स है ना, दे आर एक्चुअली एडवर्ब्स, ठीक है। अब बच्चे हम सब जानते हैं कि एडवर्ब से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते, राइट? अब यहां पर सेंटेंस जब एडवर्ब से स्टार्ट होता है ना, तो अब हम वहां पर इन्वर्जन फॉर्म यूज करते हैं। कभी भी कोई सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अभी एसबीआई आईबीपीएस 2019 में भी आया था कि अगर कभी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो वो हमेशा इन्वर्जन रूल फॉलो करता है। सो कॉशियस हो गया, नेवर हो गया, वो सब भी एडवर्ब्स हैं, ठीक। तो इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या हो गया कि इन वर्ड्स के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा एंड उसके बाद मेन वर्ब आएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। सेम गोज विथ नो सूनर आल्सो, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब। अब यहां पे देखो, हार्डली, आई हार्ड लिखा हुआ है, हमें पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हार्डली Had I, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दिए, सब्जेक्ट बाद में लिख दिए, तो हम बोलेंगे hardly had I left the class when the children made a noise, ठीक। लेकिन तीसरा और चौथा सेंटेंस में ऑलरेडी इनवर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंस फॉलो कर रहा है। यहाँ पर had आपका हेल्पिंग वर्ब है, he हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर did आपका हेल्पिंग वर्ब है, the teacher हमारा सब्जेक्ट है, सही बात है। तो एरर कहां पर है, हार्डली और स्कार्सली जब भी सेंटेंस में यूज हो रहे होते हैं वो दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है।
अब जब ये दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो जब दूसरा सेंटेंस आता है ना, वो दूसरा सेंटेंस हमेशा when से कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, यहां पर हार्डली आया हुआ था, यहां पर when यूज किया हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर स्कार्सली आएगा तो स्कार्सली के साथ भी हम when ही लगाते हैं, वहां पर भी then नहीं होगा। मतलब हार्डली और स्कार्सली ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा पेयर किसके साथ बनाते हैं, when के साथ, ठीक है। और नो सूनर जो है ना, नो सूनर ऐसा वर्ड है जो पेयर हमेशा दैन के साथ बनाता है, किसके साथ, टी एच ए एन। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और हम लिखेंगे कि नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास दैन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है। मतलब कि नो सूनर आया हुआ है तो यहां पर दैन आएगा, अगर हार्डली स्कार्सली आया हुआ है तो यहां पर वेन आएगा। आई बात समझ में? Why are you crying? तो अब ये वाला सेंटेंस देखना, उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, क्या तुमने बोला नीदर रिटर्न,
वही मैं बोलने वाली थी कि अंडरलाइन पार्ट्स हैव नो एरर. मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट बाद मुझे ही बताना है इसका आंसर, है ना? पहली बता दूं क्या? अच्छा हिंट दे दूं? नहीं दूं? देखो, जो पहला सेंटेंस है, एक बहुत छोटी सी बात है. वाई, वाई वर्ड का मतलब क्या होता है? टू डिफाइन द रीजन. वाई से अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सिंपली हम रीजन डिफाइन कर रहे हैं. सही बात है, वहां पे ऑलरेडी द रीजन लिखा हुआ है. वाई का मतलब ही द रीजन होता है और वहां पे ऑलरेडी द रीजन लिखा हुआ है. अब एक ही मीनिंग वाला दो वर्ड एक साथ लिख के क्या फायदा? नाउ यू गाइज आर मैच्योर एनफ कि आप आंसर डिसाइड कर सकते हो. हाँ वही. और दूसरा और तीसरा सेंटेंस में जैसे कि वहां पर नॉट ईदर लिखा हुआ था तो हमने और कर दिया था. क्यों? क्योंकि ईदर आया हुआ था, है ना? इन अ सिमिलर मैनर कभी भी नो नॉट नेवर के साथ नॉर नहीं आता. नॉर हमेशा नीदर के साथ आता है. तो यहाँ पे नेवर है, दूसरे में नॉट है, और नो नॉट नेवर के साथ आई टोल्ड यू कि कभी भी क्या नहीं आता, क्या नहीं आता, नॉर नहीं आता ना. तो आप बोलोगे या एब्सोल्युटली आई हैव नेवर रिटन और टॉक टू हिम एंड ही डिड नॉट ऑपरेट इट नॉट टच्ड इट. और यहां पर वाई नहीं आएगा. द रीजन आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग वॉज बिकॉज आई वॉज देयर. ठीक है, हम द रीजन भी हटा सकते थे लेकिन फिर ये सेंटेंस वाई से स्टार्ट हो जाता और वाई से अगर स्टार्ट कोई सेंटेंस करें दैट मीन्स वहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, है ना? इसीलिए हमने वाई हटा दिया, द रीजन से स्टार्ट कर दिया. गिव मी योर बैग लेस्ट आई विल शूट यू. लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज. मैं बता देती हूँ. देखो लेस्ट जो वर्ड है ना दैट ऑलवेज मेक्स अ पेयर विथ शुड. ठीक है, और सच के साथ हमेशा डैट आता है अगर कोई क्लॉज आ रहा हो तो. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? गिव मी योर बैग लेस्ट आई शुड शूट यू, है ना? क्योंकि लेस्ट के साथ शुड आता है. और तू दूसरा और तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि आई एम सच अ फूल, तो यहाँ पे डैट नहीं आएगा. टू बिलीव हिम, टू प्लस वी वन आया हुआ है ना? लेकिन यहाँ पर ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है ना? तो जब दो अलग अलग सेंटेंस को हम आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं तो सच के साथ हमेशा डैट आता है. तो वहां पे सच डैट होगा और इन अ सिंगल सेंटेंस हम टू प्लस वी वन यूज कर सकते हैं. टू पर में होगा आई एम सच अ फूल टू बिलीव हिम, एंड थर्ड में होगा शी बिहेव्ड इन सच अ वे दैट एवरीवन बिकेम डिसअपॉइंटेड, दैट इज करेक्ट. ओके, ये तो वैसे भी आसान था, ये भी बहुत आसान है. यूजेज ऑफ अंटिल एंड अनलेस हम तो सब जानते हैं. अंटिल और अनलेस कब कहां कैसे यूज करते हैं. बताओगे राहुल? तुम्हें तो पता है ना कि अंटिल और अनलेस कब कहां कैसे यूज करते हैं. पढ़ा है ना तुमने? नहीं पढ़ा?
बोलो। डज नॉट नहीं आएगा वहां पे, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अनटिल ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम आई विल स्टे विद हिम, क्या दिक्कत है, है ना? बिल्कुल हाँ, दिक्कत है। अनलेस और अनटिल दो ऐसा वर्ड है जिसके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता। अनलेस एंड अनटिल जो होता है ना, वो खुद में ही नेगेटिव वर्ड होता है, तो हम उसके साथ कभी भी नो नॉट नेवर नहीं लगाते। अगर हम नॉट लगा रहे हैं तो क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या हुआ? कि जब तक वो अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर लेता, कोई मतलब है? अभी भी इस सेंटेंस का मतलब है कि जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेता मैं उसके साथ रहूंगा, है ना? तो वहां पे नॉट लगाने का कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब आपने बोला कि अनटिल ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम आई विल स्टे विद हिम, इज करेक्ट। अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी नो नॉट नेवर नहीं लगता है, ठीक है? अब दूसरा सेंटेंस है, वहां पे देखो डैट भी आया हुआ है और वेयर भी आया हुआ है, एक साथ दो रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब नहीं आता, ठीक है? या तुम बोल सकते हो कि हम रिलेटिव एडवर्ब, वेयर जो है ना ये रिलेटिव एडवर्ब है। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब क्या है? कि दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है ना? ऐसा डब्ल्यू एच वर्ड जो दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करता है उसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, ठीक है? तो यहां पर हम इसके साथ क्या करेंगे? डॉट नहीं लगाएंगे, ठीक? और अनलेस एंड अनटिल We don't use no, not, never with them. पहला चीज, दूसरा ये है कि unless जो word है that is situation based, और until जो word है that is टाइम बेस्ड, ठीक है? दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। बोला द लाइट टर्न्स ग्रीन, दैट डिफाइंस टाइम, टाइम डिफाइन करता है ना लाइट, रेड लाइट टाइम डिफाइन करता है ना, तो हम इसके साथ अनलेस नहीं लगा सकते, इसके साथ क्या आएगा? अनटिल। लेकिन ये तो सिचुएशन डिफाइन कर रहा है, मेहनत, तो आप यहां पर अनटिल नहीं लगा सकते, यहां पर आप क्या लगाओगे? अनलेस। ओके ओके, थक गए आप लोग? दो चार ही बचा है तो आई थिंक हमें खत्म कर लेना चाहिए। दो तीन चार, बस ये लास्ट स्लाइड है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो डाउट एंड डाउटफुल। ये मेरे को पता है कि तुम्हें नहीं पता, है ना? ऐसी बात है ना, है ना? ऐसी बात देखो, दो सेंटेंस होता है, एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में डाउट या फिर डाउटफुल वर्ड आया हुआ है, ठीक है? अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में डाउट या फिर डाउटफुल वर्ड आया हुआ है तो हम इसके साथ हमेशा इफ या वेदर का पेयर बनाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस में
अगर नेगेटिव सेंटेंस में डाउट या फिर डाउटफुल वर्ड आया हुआ है तो हम इसके साथ डैट का पेयर बनाते हैं, ठीक है? ही डाउट्स इफ शी विल हेल्प हिम, ठीक है? एंड ही इज नॉट डाउटफुल दैट आई विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम, ठीक है? अगर मान लो यहीं पे सेंटेंस होता ना कि ही डाउट्स इफ शी विल हेल्प हिम और नॉट, ठीक है? अगर मान लो यही सेंटेंस होता कि ही डाउट्स इफ शी विल हेल्प हिम और नॉट, तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाता. क्यों? नेगेटिव कहाँ है? अरे नेगेटिव का तो मतलब होगा कि इधर कोई नेगेटिव वर्ड आया हुआ हो ना, है ना? तो जब यहां पर और नॉट आ गया ना, तो और जो वर्ड है ना ये हमेशा पेयर बनाता है वेदर के साथ, तो यहां पर इफ नहीं आएगा, ठीक है? कभी भी सेंटेंस में और आ जाए तो और के साथ हमेशा वेदर आता है, और नॉर्मल सेंटेंस में आप इफ या वेदर में से कुछ भी यूज कर सकते हो. बंद कर दो ना फिर. तुम लोग के लिए अब ये ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ? क्या यही तो लिखा है that I wanted. The same always makes a pair with that. The same, the only, the little in words के साथ हमेशा that आता है और second sentence correct है क्योंकि यहां पर subject आया हुआ है, यहां पर subject नहीं है, ठीक है? तो अगर दो subject नहीं है तो हम as से connect कर सकते हैं, comparison कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है? लेकिन ऊपर में सब्जेक्ट आया हुआ है मतलब दो क्लॉज को ज्वाइन कर रहे हैं, तो दो क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए हम हमेशा द सेम के साथ डैट यूज करते हैं, ओके? इसके बाद वाला लास्ट है. इसमें क्या चेंज होगा बता दो. आई हैव नो अदर ऑप्शन लिखा है ना, तो रादर हो या अदर हो, इनके साथ हमेशा दैन आता है. जैसे कि नो सुनर के साथ दैन आता है ना, वैसे रादर और अदर के साथ भी दैन आता है. तो आप बोलोगे आई हैव नो अदर ऑप्शन,
than to get a job. Fine? अच्छा, second तो मैंने बताया ही कि both के साथ हमेशा क्या आता है? Both के साथ हमेशा and आता है ना? ये तो मैंने बता दिया. और as, so, because, therefore, since, इन words के साथ हमेशा comma आता है. मतलब as जो word है वो कभी so के साथ pair नहीं बनाएगा. ठीक है, as और so का कभी pair नहीं बनता. तो अगर as से sentence start हो रहा है तो यहाँ पर simply comma आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा. And it is not only about as. As हो, so हो, because हो, therefore हो, since हो. तो these are the certain words जिनके साथ हमेशा कॉमा आता है, इनके साथ कभी भी हम पेयर नहीं बनाते. ठीक है, यहां पर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है. वो एक्सेप्शन क्या है कि एज यू सो, सो शाल यू रीप. ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये एक्सेप्शन है. ये एक फ्रेज है जहां पर एज और सो को साथ में एक्सेप्ट किया गया है. हालांकि उसके अलावा और कभी भी हम इनका पेयर नहीं बनाते. क्लियर है? ठीक है ना? एंड द लास्ट लाइन, यूजेस ऑफ व्हेन एंड व्हाइल. कब हम व्हेन यूज करते हैं, कब हम व्हाइल यूज करते हैं. फिर से बच्चे लिखी तो बातें, उल्टा पुल्टा करके क्या मिला? चलो एक मिनट रुक जाओ. हाँ बोलो. फिर से ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड व्हेन अ स्नेक बिट हिम. रुको, वेट. पहले मैं तुम्हें बताती हूं कि व्हाइल कब यूज करते हैं और व्हेन कब यूज करते हैं. ठीक है, व्हाइल यूज टू डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन. ठीक है, व्हाइल यूज टू डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन. व्हेन यूज टू डिफाइन कंप्लीशन ऑफ एक्शन. व्हेन जो है कंप्लीशन ऑफ एक्शन डिफाइन करता है. मतलब कि पहला एक्शन कंटिन्यूएशन में है और बीच में दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया तो वो हम व्हाइल से डिफाइन करते हैं. ठीक, पहला एक्शन खत्म हुआ उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ वो हम व्हेन से डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब वहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बिट हिम का मतलब क्या हो गया कि वो घूम घाम के जब आ गया फील्ड से तो भाई घर पे उसको सांप ने काटा. सही नहीं लग रहा ना? समझाना क्या चाह रहे हैं कि जब वो फील्ड में घूम रहा था तभी उसको सांप ने काटा. कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन डिफाइन हो रहा था तो हम व्हेन के जगह पे क्या यूज करेंगे, व्हाइल. कि व्हाइल ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बिट हिम. ठीक, अब यहाँ पे लिखा है व्हाइल आई केम टू हर होम शी वॉज स्लीपिंग. मैं रास्ते में था, बीच में मुझे पता चल गया कि वो सो रही है. मीनिंग ही क्लियर नहीं है, है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन आई केम टू हर होम, जब मैं उसके घर पहुंचा मुझे पता चला कि वो सो रही थी. ठीक, लास्ट सेंटेंस देखो कि इन अबाउट 5 minutes दे वुड कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द रोड टू द पॉइंट व्हेन द वेव्स वुड बिगिन टू लीक देयर फीट. 5 मिनट में वो ऐसा डिस्टेंस कवर कर लेंगे रोड से उस पॉइंट तक जहां पर वेव्स उसके फीट को टच करने लगेंगे. राइट, जहां का सेंस है ना, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, वेयर द वेव्स वुड बिगिन टू. यहां पर क्या आएगा, वेयर, कि वेयर द वेव्स वुड बिगिन टू लिक देयर फीट. इज दैट क्लियर? समझ में आया क्या?
लीक मतलब वही होता है बट यहाँ पे टच का सेंस है, ठीक है। बस ये बेटा अभी जैसे मैं साथ साथ जब रूल्स बता रही थी तो बताते जा रही थी ना कि इसका पेयर इसके साथ बनता है, इसका पेयर उसके साथ बनता है, कि यहाँ पे इकट्ठे सारी लिस्ट दी हुई है पीपीटी में है। हाँ कि देखो दो ऑल दो के साथ येट बनता है, ये भी मैंने बताया, बोथ के साथ एंड बनता है, ये भी मैंने बताया, सो के साथ डैट आता है, वेदर के साथ और आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ वेन आता है, लेस्ट के साथ शुड आता है, ये सब मैंने बताया, इधर नीदर के साथ और तीन बार यूज कर सकते हैं, नॉर तीन बार यूज कर सकते हैं, है ना, नो सूनर के साथ दैन आता है, रादर या नो अदर के साथ दैन आता है, मोस्टली मैंने बता दिया है, एक बार फिर भी गो थ्रू कर लेना घर जाके तो ये मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। क्या हाँ कंजंक्शन खत्म हो गया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे कि ये देखो अभी तक तो जो हम कर रहे थे दैट वाज एक्चुअली व्हाट, दैट वाज एक्चुअली एरर डिटेक्शन, बट बेटा बैंक यहां तक सीमित नहीं है, कंजंक्शंस के बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग में, ठीक है। सबसे पहला जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है विच वी कॉल एज सेंटेंस स्टार्टर। सेंटेंस स्टार्टर का मतलब क्या होता है कि आपको दो सेंटेंस ऊपर में दिया हुआ होता है, राइट, दो सेंटेंस ऊपर में दिया हुआ है और उन दोनों सेंटेंस को आपको ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। उन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो इनिशियल लाइन है वो इनिशियल लाइन भी आपको दी हुई रहती है और आपसे पूछा जाता है कि क्या अगर हम इस वर्ड से, क्या अगर हम इस पर्टिकुलर फ्रेज से इस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों सेंटेंस प्रॉपरली कनेक्ट हो पाएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा। ये है सेंटेंस स्टार्टर जो प्रिलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। बट दीज आर दी सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ कंजंक्शंस जो अभी तक हमने प्रिलिम्स में नहीं देखा है, ये ज्यादातर मेंस में ही आता है। इसमें क्या है कि आपके पास दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वन एंड टू, ठीक है। नीचे ऑप्शंस पे आपको फाइव कंजंक्शंस दिया गया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों सेंटेंसेस को इनमें से कौन सा कंजंक्शन प्रॉपरली ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है कि अर्ली वन मॉर्निंग द फीवर लेफ्ट मी एज सडनली एंड मिस्टीरियसली एज इट हैज केम, कि एक दिन जल्दी सुबह के समय पर फीवर जो है वो मुझे अचानक से इस तरीके से छोड़कर चला गया जैसे वो मेरे पास आया था। यही तो है सेंटेंस का मतलब। वहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉनदलेस। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं कंजंक्शन के, आपको सारे कंजंक्शन का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो जज कर पाओगे कि सेंटेंस ज्वाइन होगा या नहीं। अब वहां पे लिखा हुआ है नॉनदलेस एंड नेवरदलेस। Nonetheless और nevertheless इन दोनों वर्ड का मतलब होता है in spite of, मतलब कि क्या हो गया, के बावजूद, ठीक। दूसरा लिखा हुआ है moreover। Moreover जो वर्ड है वो हमेशा उस टाइम पे यूज होता है जब आप additional information add कर रहे होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर nonetheless का तो कोई सेंस नहीं है, के बावजूद का तो कोई सेंस नहीं है, ये कट गया ये। दूसरा क्या लिखा हुआ है, मोर ओवर। भाई ऊपर में बात हो रही है मॉर्निंग की, मॉर्निंग के बारे में आगे तो कुछ बता नहीं रहा है, तो मोर ओवर का तो सेंस बना ही नहीं, ये भी गलत हो गया। स्टिल का मतलब क्या होता है, चूंकि, है ना। अब यहां पर कोई रीजन तो डिफाइन नहीं हो रहा है, रीजन तो कुछ डिफाइन नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे कोई ऑप्शन भी हमें नहीं दिया गया है, कोई ऑल्टरनेटिव भी हमें नहीं दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया, हाउएवर, कि अर्ली वन मॉर्निंग, हाउएवर, और उसके बाद आप लगाओगे कॉमा, द फीवर लेफ्ट मी एज सडनली एंड मिस्टीरियसली एज इट हैज कम, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है, हम इसको ज्यादातर ऑप्शन एलिमिनेशन से करते हैं। बात समझ आई? इसके बच्चे काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, आप एक बार इसको सॉल्व कर लेना, एंड इसमें कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी फॉर श्योर, फाइन। अब ये देखो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन। इसमें क्या है कि एक कंजंक्शन ऊपर दे दिया आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि हमें उस कंजंक्शन का मतलब पता होना चाहिए,
ठीक। अब एक कंजंक्शन आपको ऊपर दे दिया, नीचे क्या है, चार सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब आपको इन चारों सेंटेंसेस का भी मतलब पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन से दो सेंटेंसेस हैं जो इस कंजंक्शन से कनेक्ट करेंगे तो मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम होगा। ठीक, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में करने का तरीका क्या है, क्योंकि ए बी से भी कनेक्ट हो सकता है, सी से भी कनेक्ट हो सकता है, डी से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक, फिर जब हम बी में आएंगे तो बी ए से भी कनेक्ट हो सकता है, सी से भी, डी से भी। अब हमारे पास इतना एग्जाम में टाइम थोड़ी है कि हम हर एक वर्ड को पूरे हर एक सेंटेंस को सारे सेंटेंसेस से कनेक्ट करके देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आप हमेशा किससे करोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से। ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया, ए और बी को आपस में कनेक्ट करके देखा। अगर ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, अगर ये दोनों कनेक्ट होकर मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया तो देखो कि और ए भी कहाँ है, अच्छा यहाँ पर है, ए डी और ऑप्शन में है, ए डी कनेक्ट करो, अगर कनेक्ट हो रहा है तो हाँ भैया ये हमारा आंसर है। ठीक, अब ए भी नहीं कनेक्ट हो रहा है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक, अब कॉमनली देखे तो क्या है, ए डी है, सबसे पहले ए डी ज्वाइन करके देखो, ए डी अगर नहीं ज्वाइन हो रहा है तो ये भी कट गया, अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, है ना। तो वहां पे फिर आपको पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में जो पेयर दिया गया है सिर्फ उसको चेक करो, बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, एक बार आप घर पे जाके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, एंड अगर नहीं सॉल्व होता है तो डू लेट मी नो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, राइट, एंड इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली।